हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैंने अपने गोल्डन मनी प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम किया है जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मैंने वो कौन सा काम किया है। तो मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में हमें देखने को मिलता है। हालांकि मेरा मनी प्लांट काफ़ी छोटा है, लेकिन मैंने उस छोटे से प्लांट में भी मैंने वो काम किया है जो हम बड़े मनी प्लांट में हम करते हैं। तो दोस्तों, जो छोटा सा काम मैंने किया है वो है मोस्टिक बनाने का। तो मैंने बहुत ही छोटा मोस्टिक बनाया है। आप देख सकते हैं मेरा प्लांट काफ़ी हद तक छोटा है, लेकिन मैंने सिर्फ ये ट्रायल के लिए ही बनाया है कि मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी ग्रोथ कैसे होती है इसे छोटे से मोस्टिक लगाने के बाद। तो हालाँकि मोस्टिक का यूज़ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे पत्तियाँ बड़ी होती है, यही इसका फ़ायदा होता है। और मोस्टिक लगाने का एक और फ़ायदा भी है, जहाँ पे हमने ये लगाया है जिस तरीके से उसके जो स्टेम होती है वहाँ पे उसे मॉइस्चर मिलता है जिससे प्लांट ऑब्जर्व करता है, जिससे पत्तियाँ बड़ी होती है, ये उसका फ़ायदा होता है। तो ये मैंने कैसे बनाया तो मैं अभी बताता हूँ आपको। और ये मैंने कैसे बनाया तो ये जो पुरानी बॉल पेन होती है जो हमारे पास लिखने में जो वेस्ट होती है उसका मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने कोकोपीट होता है जो नारियल के छिलके में से जो सूखा हुए नारियल होते हैं उसके जो छिलके होते हैं उसको मैंने काट के एक जो नेट होती है हम शॉपिंग करते हैं फल फ्रूट उसी में जो नेट आती है उसी का मैंने यूज़ किया है। उसके अंदर मैंने नारियल के छिलके मैंने डाल दिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नारियल के छिलके, तो मैंने इस तरीके से उसको बांध दिया है। तो ये छोटा सा मैंने मोस्टिक बनाया है और इस पैन को मैंने मिट्टी के अंदर दबा दिया है। तो इस तरीके से मैंने ये मोस्टिक बनाया है। हालांकि मैंने ये टेम्पररी बनाया है, अब जैसे ये बड़ा बड़ा होता जाएगा तब मैं फिर से मुझे बड़ा सा मोस्टिक बनाना पड़ेगा। तो मैं इसी तरह से फिर से बनाऊंगा, तब मैं लकड़ी लूँगा। अभी तो मैंने फ़िलहाल टेम्पररी बॉल पेन मैंने यूज़ किया है इसके लिए। मनी प्लांट की स्टेम में जो फेडर रूट होते हैं इस तरीके से उसे मॉइस्चर मिलने के कारण वो उसकी जो वहाँ से जो भी पत्ती निकलती है वो पत्ती को बूस्ट मिलता है और पत्ती वहाँ से बड़ी होती है। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने छोटा सा ये मोस्टिक बनाया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये छोटा सा मोस्टिक अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।